हेलो फ्रेंड, वेलकम टू शेयर मार्केट लाइव। मैं हूं सागर और आज के वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा निफ्टी के पी रेशियो के बारे में। निफ्टी का जो पी रेशियो है 30 के पार निकल चुका है, अपने हिस्टोरिकल हाई के आसपास जो है निफ्टी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या दोस्तों, अब समय आ गया है कि मार्केट फिर से क्रैश होगा या मार्केट में बहुत तेज गिरावट आने वाली है, निफ्टी 5,000-6,000 हो जाएगा, अपना पोर्टफोलियो बेच दे, या इस तरीके की सारी बातें जो है वो अपने इस वीडियो में आज मैं नहीं करने वाला। क्योंकि दोस्तों ये सारी चीजें जो है वो डराने के लिए अच्छी लगती है, लेकिन जो रियल फैक्ट है वो सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेंगी। सबसे पहले जो निफ्टी का पी है 30 हो चुका है, तो उसके पीछे के रीजन को भी समझना इंपॉर्टेंट होगा कि आखिर जो निफ्टी का पी अभी 30 का दिखाई दे रहा है वो क्यों हुआ। इतनी बुरी खबरों के बावजूद, पेंडेमिक आ गया कोरोना वायरस का, इकोनॉमी लैकलस्टर है आपकी, कोई ग्रोथ है नहीं, कंपनियों की कमाई गिर रही, उसके बाद भी लगातार स्टॉक मार्केट ऊपर है और उसके बावजूद भी आप लोगों के पैसे बन रहे हैं और मार्केट गिर नहीं रहा है। तो लोगों को ये प्रॉब्लम है कि मार्केट क्यों नहीं गिर रहा है, क्योंकि मार्केट के हालात खराब है। लेकिन दोस्तों जिस तरीके से मार्केट ने अभी तक परफॉर्मेंस दी है, तो एक बहुत ही तेज गिरावट जो हुई थी मार्च के महीने में हुई थी, और दोस्तों यहाँ पे जो इतिहास है उससे मार्केट ने इस बार उलट बर्ताव किया। क्योंकि हर समय लोगों को ये सिखाया जाता था कि जब कभी भी मार्केट में क्रैश होता है तो आप 1929 को याद कीजिए, 2000 का बबल याद कीजिए, या सन 2008 की जो क्रैश है उसको याद कीजिए। तो सभी लोग इस धारणा में बैठे थे कि सेम वही पैटर्न जो है जो कि पिछले 3-4 बार के क्रैश में देखने को मिला, तो 2020 का जो क्रैश होगा वो सेम टू सेम पैटर्न इस बार भी रिपीट होगा। लेकिन दोस्तों मार्केट भगवान होता है, मार्केट का कोई भगवान नहीं होता, इस बात को लोग भूल गए और इस बात मार्केट ने सारे लोगों को गलत सिद्ध कर दिया। इवन यहाँ तक कि जो वॉरेन बफेट है, जिन्होंने भी ये सोचा था कि मार्केट अपने और अच्छे वैल्यूएशन पे आएगा तब वो इन्वेस्ट करेंगे, तो दोस्तों इस बार उनसे भी ये रैली जो है मार्केट की मिस हो गई और वो भी यहाँ पे अच्छा खासा माल नहीं उठा पाए। हालांकि अब फ्यूचर में कभी मार्केट गिरता है तो उनकी मर्जी है कि वो माल उठाते कि नहीं उठाते, लेकिन इस बार ये कहना तो बिल्कुल गलत नहीं होगा कि इस बार की जो रैली है, जो हिस्ट्री की सबसे बेस्ट रैली कही जा सकती है, वो उनसे भी मिस हुई है। तो आम लोगों की तो बात छोड़ दीजिए, जिनको इन्वेस्टमेंट का आई भी नहीं आता, तो अब आप समझ सकते हैं कि दोस्तों मार्केट इस वैल्यूएशन में ट्रेड कर रहा है, तो आगे के लिए हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए और किस तरीके से मार्केट जो आगे रिएक्ट करेगा। और जो निफ्टी का पी 30 का हो गया है उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है दोस्तों, पिछले आपने कई बार सुना होगा कि जब निफ्टी 27, 28, 29 के पी के आसपास आने लगता है तो निफ्टी हो जाता है ओवरबॉट, या फिर कोई भी इंडेक्स है वो चीज जो होती है बहुत ही ओवरबॉट सिचुएशन मानी जाती है, और उसके बाद मार्केट में तेज गिरावट देखने को मिलती है, ऐसा माना जाता है। लेकिन दोस्तों ये पहले की बात थी जब मार्केट में लोग इतने मैच्योर नहीं थे, क्योंकि उस कंडीशन में ना इंटरनेट था उस टाइम के जमाने में, ना ज्यादा लोग उसके बारे में अवेयर थे, और मार्केट में गिने चुने लोगों के हाथों में मार्केट होता था। लेकिन दोस्तों आज के टाइम में टेक्नोलॉजी है, लोगों के पास रिसर्च है, और लोगों को भी अब समझ आ रहा है धीरे धीरे करके कि जो मार्केट होता है उसमें शॉर्ट टर्म जो होती है रिस्क हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में मार्केट ही एक ऐसा चीज है जो आपको एक अच्छा पैसा बना के देगा। और लोगों ने ये समझा कि अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए आ रहे हो यहाँ पे तो आपका डेफिनेटली पैसा डूब सकता है, लेकिन अगर आप 5 साल 10 साल 20 साल के व्यू से आ रहे हो तो आपका पैसा बनेगा ही बनेगा, चाहे आप किसी भी स्टॉक में पैसा लगा दो। अगर वो अच्छी कंपनी है तो आप कोई भी फालतू कंपनी में डाल दोगे तो अलग बात है कि आपके पैसे ना बने या डूब जाए, लेकिन अगर आपने किसी फंडामेंटल मजबूत कंपनी में पैसे डाले हैं तो आपके पैसे वहां पे बनते हुए दिखाई देंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पहले ऐसा क्यों होता था कि मार्केट जब ऊपर आता था तो मार्केट गिर जाता था। सन 2008 के डेटा आपकी स्क्रीन पे देखने को आपको मिलेंगे, 3-4 महीने 5 महीने तक जब मार्केट का जो पी है वो आपका हायर लेवल पे गया तो 2008 में आपको एक क्रैश देखने को मिला। तो दोस्तों इसको एक बेस मान लिया गया और मार्केट में ये बता दिया गया कि 28-29 का पी आया, यानी कि मार्केट हो चुका है महंगा और मार्केट अब गिर जाएगा। लेकिन दोस्तों आप देखेंगे अब जो आपके स्क्रीन पे आएगा पिछले 2-3 साल के डेटा के, यानी 2017-18-19 के आसपास, जब मार्केट कंसिस्टेंटली 25-26 के पी के ऊपर कामकाज कर रहा है, उस कंडीशन में भी मार्केट में कोई खास बड़ा करेक्शन देखने को नहीं मिला। हालांकि जो करेक्शन आपको देखने को मिला इस मार्च के महीने में, उसका जो रीजन था वो एक्सटर्नल रीजन था, वो था कोरोना वायरस का रीजन, ना कि कोई इकोनॉमिक सीजन का। तो दोस्तों अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है कि वापस जो मार्केट गिरा और उसके बाद मार्केट में पूरी रिकवरी हो गई, निफ्टी अभी 11,000 के आसपास कामकाज कर रहा है और निफ्टी का पी हो चुका है 30 का, उस समय निफ्टी 12,200-13,000 के आसपास था जब
क्रैश चालू हुआ था मार्च में, उस कंडीशन में भी निफ्टी का पी 29-30 के आसपास कामकाज कहीं ना कहीं कर रहा था। तो आखिर जब निफ्टी अपने ऊपरी लेवल से लगभग अभी भी 1,200 पॉइंट नीचे है, तो आखिर निफ्टी का पी अपने प्रीवियस लेवल को कैसे पार कर गया? तो दोस्तों उस समय मैं आपको बता दूं कि निफ्टी की जो ईपीएस थी वो लगभग 440 रुपए के आसपास की थी। तो निफ्टी के प्राइस से अगर आप उस ईपीएस को घटाते तो जो निफ्टी का पी निकल के आता वो 28-29 के आसपास होता था। तो उस टाइम वो ईपीएस जो थी वो जस्टिफाई हो जाती थी। लेकिन अभी जिस तरीके से क्वार्टर वन के नतीजे आए, तो सभी नतीजों के हिसाब से जो ईपीएस कंपनियों की कमाई घटी, क्योंकि बिजनेस कोई खास हुआ नहीं, तो सभी के मुनाफे में उसका असर देखने को मिला। तो आगे के लिए जो फोरकास्ट निकल के आता है तो पी रेशियो में इसके कारण गिरावट देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पे आपको ईपीएस जो है कंपनियों की लगातार घटती हुई दिखाई दी, निफ्टी का प्राइस ऊपर है और लगातार कंपनियों की कमाई घट रही है। तो आप अगर आज के 11,000 के निफ्टी से उसको डिवाइड करते हैं कंपनी की अभी लेटेस्ट ईपीएस को, तो आपकी जो ईपीएस निकल के आएगी वो लगभग 366 रुपए के आसपास। तो कंपनियों की जो है अर्निंग पर शेयर जो कमाई है वो घटती हुई दिखाई दे रही, जिस कारण से आपका पी रेशियो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे आपकी बात करते हैं कि क्या 30 के पी रेशियो पे निफ्टी ओवरबॉट हो गया? तो डेफिनेटली ये कहा जरूर जा सकता है कि निफ्टी ओवरबॉट है, लेकिन सारे स्टॉक यहाँ पे ओवरबॉट नहीं है, क्योंकि आपको अभी भी बहुत से ऐसे स्टॉक दिखेंगे जो कि आज भी आपको 8,000-9,000 की निफ्टी के लेवल के देखने को मिलेंगे। बैंक निफ्टी की आप बात कर लीजिए, बैंक निफ्टी आज भी 22,000 के नीचे चल रहा है। जब निफ्टी 11,000 था, से 4 महीने का आप चार्ट से कंपेरिजन करेंगे निफ्टी के, तो आपको बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं 27,000-28,000 के आसपास देखने को मिलेगा। तो आपको लगेगा कि बैंक निफ्टी अभी 6,000-7,000 पॉइंट से निफ्टी को जो है अंडर परफॉर्म कर रहा है। लेकिन वहीं आप देखेंगे आईटी इंडेक्स को उठा के, तो आईटी इंडेक्स अपने प्रीवियस लेवल के भी पार निकल चुका है। ठीक वहीं पे आप एफएमसीजी स्टॉक्स को देखेंगे, तो निफ्टी में दोस्तों पहले के टाइम पे ऐसे ऐसे स्टॉक्स थे जिनके पी रेशियो उतने ज्यादा हायर नहीं हुआ करते थे, लेकिन पिछले 2-3 साल में निफ्टी में जिस तरीके के कंपोनेंट चेंज हुए हैं और नए नए स्टॉक्स की एंट्री हुई और पुराने स्टॉक जो मार्केट से बाहर होते गए हैं, तो बहुत से ऐसे स्टॉक है जिनका हायर वैल्यूएशन आपको निफ्टी में देखने को मिलेगा और उनका जो पी रेशियो इतना ज्यादा हाई है कि अगर उनकी एवरेजिंग की जाएगी तो आपको निफ्टी का पी इतना हायर मिलना स्वाभाविक है। और ये जो पी रेशियो 30 का देखने को मिल रहा है वो न्यू नॉर्मल आप कह सकते हैं, जो कि पहले 20-22 को माना जाता, तो अब आप समझ सकते हैं कि 28-29-30 वो उतना नॉर्मल है। अब जो ओवरबॉट सिचुएशन मानी जा सकती है कि यहाँ से निफ्टी कितना ऊपर जा सकता है, तो मैं अगर अपनी पर्सनल राय पे कहूँ तो यहाँ से मुझे निफ्टी का पी लगभग 3-4 पॉइंट और ऊपर जाता हुआ कम से कम दिखता है, 33-34 के आसपास। आप अमेरिका के मार्केट्स को भी देखेंगे तो नैसडेक का जो पी है वो भी कई गुना ऊपर कामकाज कर रहा है, जिस तरीके से वहाँ क्रैश आया था मार्च के महीने में, और उसके बाद वहाँ पे भी जो रिकवरी देखने को मिली वो बहुत ही शानदार रिकवरी थी, और अभी 11,000 के लेवल तक को नैसडेक ने टच किया था। उसका प्रीवियस हाई भी लगभग 9,800 के आसपास था। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, मार्केट में जब लोगों का रुझान बढ़ता है, अगर किसी को कोई शेयर खरीदना है तो वो शेयर खरीदेगा ही खरीदेगा, और अगर किसी को बेचना है तो बेचेगा ही बेचेगा। अब जैसे कि कल ही के दिन आपकी HDFC लाइफ की जो एंट्री है वो निफ्टी में देखने को मिली, आप उसका पी रेशियो चेक करेंगे तो 96 का आपको उसका पी लगभग आपको देखने को मिलेगा। मतलब कंपनी 1 रुपए कमाती है और आप उस 1 रुपए की कमाई के लिए 96 रुपए देने को तैयार है। लेकिन वहीं पे आप कोई दूसरी सरकारी कंपनियां देखेंगे जैसे कि ONGC, कोल इंडिया, तो उसका जो पी रेशियो चल रहा है 7-8 के आसपास का चल रहा होगा, तो यानी कि उसके लिए कोई 7-8 रुपए देने को भी तैयार नहीं है। तो दोस्तों ये सब डिपेंड करता है कंपनी की परफॉर्मेंस, कंपनी के फंडामेंटल, और कंपनी किस तरीके का काम कर रही है, उसकी मार्जिन किस तरीके की है। अगर कंपनी अच्छी है तो लोग उसके लिए महंगा से महंगा वैल्यूएशन भी देने को तैयार है, और अगर कंपनी उतनी अच्छी नहीं है या कंपनी अच्छी भी है लेकिन उसके प्रॉफिट में लगातार दबाव देखने को मिल भी रहा है, तो उसको कोई उतनी ज्यादा वैल्यूएशन देने को तैयार नहीं है। आप निफ्टी में देखेंगे बहुत सी कंपनियां जो है पिछले 2-3 साल में ऐड हुई है, जिस तरीके से आप देखेंगे ब्रिटानिया की एंट्री हुई, नेस्ले की एंट्री देखने को मिली, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर, श्री सीमेंट की एंट्री हुई, अब HDFC लाइफ की एंट्री हुई है, एशियन पेंट है जो कि बहुत ही अच्छा स्टॉक है आपका इंडेक्स में जिसकी पी रेशियो बहुत हाई है, हिंदुस्तान यूनिलीवर का आप देख लीजिए, रिलायंस में जिस तरीके से तेजी हुई तो उसका आप पी रेशियो देखेंगे तो लगभग 40 के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। तो अगर निफ्टी का इतना बड़ा हैवी वेट का पी रेशियो 40-45 के आसपास चल रहा है, तो उस कंडीशन में आपको कैसे निफ्टी का पी नीचे देखने को मिलेगा, आप ये समझ के चलिए। हाँ, बहुत सारे स्टॉक हैं जो कि अच्छे फंडामेंटल वाले जो आज भी आपको 18-20 के पी में देखने को मिल रहे, तो दोस्तों वहां पे हो सकता है जब कैचअप रैली आती हुई दिखाई दे तो आपको निफ्टी के पी और बढ़ते हुए दिखाई दे। उस कंडीशन में जब दूसरे स्टॉक जो चल चुके हैं उनमें थोड़ा सा करेक्शन या टाइम वाइज करेक्शन देखने को मिल सकता है। यहाँ पे क्रैश और करेक्शन में अंतर समझना बहुत ज्यादा जरूरी है।
ज्यादातर लोग इस तरीके से डराते हैं कि यहाँ पे मार्केट क्रैश हो जाएगा, 6,000-7,000 फिर से आ जाएगा। दोस्तों जिस दिन मार्केट को आना होगा ना तो वो अपने आप आ जाएगा, उसको कोई रोके नहीं रोक सकता। मार्च में क्या किसी को पता था 2 तारीख को कि मार्केट 23 मार्च के दिन 7,500 का लो लगाएगा? किसी को नहीं पता था। वो चीज जो होनी है वो मार्केट के साथ हो जाएगी, आपके साथ पूरा का पूरा गेम हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन आपको ये समझना है कि करेक्शन क्या होता है और आपकी जो होती क्रैश वो क्या होती है। करेक्शन कभी भी आ सकता है और वो छोटा मोटा करेक्शन हो सकता है। पिछले 2 महीने में मार्केट जो है तकरीबन तकरीबन 1600 पॉइंट की रैली दिखा चुका है। तो 1600 पॉइंट की रैली दिखाने के बाद अगर मार्केट 500-600 पॉइंट गिर जाता है तो आप उसको क्रैश बोलेंगे या करेक्शन बोलेंगे? भाई मार्केट ऊपर चला है तो मार्केट ऊपर से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी आएगा। भाई जिसने नीचे खरीदा वो ऊपर बेचेगा, वो सोचेगा प्रॉफिट बुक कर लो थोड़ा बहुत मिल रहा है तो। लेकिन क्रैश बोल देना कि मार्केट क्रैश हो गया, 500-600 पॉइंट भी गिर गया, मार्केट क्रैश हो गया, ऐसा हो गया, तो ये दोस्तों डराने वाली बातें हैं। इतना कोई खास क्रैश होता नहीं। क्रैश का मतलब ये होता है कि एक एक दिन में 10-10% के जो सर्किट लगते हैं उसको बोला जाता है क्रैश। तो दोस्तों ये मेरी राय है कि अगर निफ्टी में 400-500 पॉइंट की कोई गिरावट आती है तो मैं उसे करेक्शन कहूंगा, ना कि उसे क्रैश कहूंगा। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे क्रैश मानते हैं या करेक्शन मानते हैं और आपकी पोजीशन किस तरीके की है। दोस्तों अगर आप एक चीज समझिए इस वीडियो के अगर कंक्लूजन की मैं बात करूं तो, अगर आप एक अच्छे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपका व्यू जो है लॉन्ग टर्म का है, लॉन्ग टर्म होराइजन है, तो आपके मार्केट में कुछ भी हो जाए साल डेढ़ साल आपके रिटर्न नहीं बनेंगे, मार्केट ऊपर नीचे होता रहेगा जो कि उसका नेचर है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपके पैसे बनने ही वाले हैं। लेकिन अगर आपका व्यू मुश्किल से 2-3 दिन का है और आपने आज पैसे लगाए और 4 दिन बाद आप सोचेंगे कि मेरे को शेयर बेचना है और शेयर नीचे आ गया, मैं क्या करूं, मैं बर्बाद हो गया, तो दोस्तों उस कंडीशन के लिए कोई जवाब नहीं है। उस कंडीशन में या तो फिर अगर आप एक ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपकी पोजीशन हेज के साथ जरूर होनी चाहिए। आप चाहे पुट ऑप्शन करके उस ट्रेड को हेज कीजिए या कोई सामने से सेलिंग की पोजीशन आपकी होनी चाहिए खड़ी मार्केट में, तब जाके आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस तरीके की पोजीशन में सोचेंगे कि मैं जहां से खरीदूं मार्केट वहां से ऊपर ही जाए हर समय, तो दोस्तों ये पॉसिबल नहीं है। और रही बात अगर निफ्टी के वैल्यूएशन की, तो निफ्टी के वैल्यूएशन डेफिनेटली अभी हायर साइड पे है, थोड़ा बहुत करेक्शन यहां से हो सकता है, लेकिन एकदम से क्रैश हो जाएगा उसकी उम्मीद मैं फिलहाल नहीं करता। अभी वन की कोई ग्लोबल मार्केट में कुछ बड़ी पंचायत हो जाए कि बहुत तेज कोई उल्टा सीधा न्यूज आ जाए या कोई युद्ध जैसे माहौल आ जाए, तब आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि अब देख सकते हैं आप कोरोना वायरस की जो इम्पैक्ट इतना होने के बावजूद भी अब मार्केट उसको पूरी तरीके से नज़रअंदाज कर रहा है। तो जो होना था मार्च के महीने में हो चुका, अब जो नई क्रैश आएगी या हो सकता है कभी फ्यूचर में कोई क्रैश हो भी मार्केट में, तो उसका रीज़न कोई और होगा, एक्सटर्नल रीज़न के थ्रू मार्केट गिर सकती है। लेकिन इस तरीके से अगर आप ये सोचेंगे कि मार्केट का वैल्यूएशन इतना ऊपर है और मार्केट में इतना जोरदार क्रैश फिर से आ जाएगा, तो मैं इसकी उम्मीद नहीं करता। मार्केट हो सकता है कुछ दिन यही 1000-2000 पॉइंट में कामकाज करता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। स्टॉक वाइज जो है परफॉर्मेंस वो आपको अच्छी खासी देखने को मिल सकती है अब अगले कुछ महीनों में। हो सकता है कुछ स्टॉक जो नहीं चले वो अब चले और इंडेक्स एक जगह जाकर रुक जाए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरीके की और भी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।